हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। आप सभी का आरबीसी चैनल पे अभिनंदन है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज कि झारखंड के अनलॉक 2 को लेकर बैठक हो गई है खत्म। इस वक्त की जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आंशिक छूट के साथ अगले आदेश तक जारी रहेगा लॉकडाउन। हेडलाइन में आप ये भी जानते चलें कि जमशेदपुर को छोड़कर 23 ज़िलों में दिन के 4 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, सैलून खुलेंगे, मॉल, सिनेमा घर, कोचिंग संस्थान आदि पहले की तरह रहेंगे बंद। खबरें विस्तार से मैं आपको मैं बताता चलूं कि क्रमबद्ध ढंग से 1 से 7 तक आप जानने की कोशिश करें कि क्या है मामला, कौन सी चीज़ें कहाँ और किस वक्त खुली रहेंगी और क्या रहेंगे बंद। तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्रम में आपको बताता चलूं कि प्रतिबंध आगामी 16 जून तक जारी रहेंगे। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। दूसरे नंबर की चीज़ आपको बताता चलूं कि रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग व रामगढ़ ज़िला में कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें खोलने की इजाज़त अभी नहीं मिली है। तीसरी नंबर की चीज़ें आपको मैं बताता चलूं कि पहले से जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी उनकी समय सीमा 2 बजे से 4 बजे तक कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि जो झारखंड में लॉकडाउन 2 की घोषणा हुई है वो उन किन नियमों को पालन करना है वो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। चौथे नंबर पे आपको बताता चलूं कि जमशेदपुर में दुकानें 2 बजे तक ही खुलेंगी। जमशेदपुर में दुकानें 2 बजे तक ही खुलेंगी। पाँचवें नंबर की मैं बात आपको बताता चलूं कि सभी ज़िलों में सैलून खोलने की इजाज़त दे दी गई है। सभी ज़िलों में सैलून खोलने की इजाज़त झारखंड में दे दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताता चलूं। छठे नंबर पे आप जान लें कि क्या रहेगा मामला। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग और रेस्टोरेंट पहले की तरह रहेंगे बंद। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग और रेस्टोरेंट पहले की तरह रहेंगे बंद। सातवें नंबर की खबर मैं आपको बताता चलूं कि होटल और रेस्टोरेंट से जो होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई थी, जो सर्विस देनी थी, वो पहले की तरह दी जा सकेगी। आठवें नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सार्वजनिक संस्थानों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खबर में बने रहिए आरबीसी चैनल के साथ। बेहतर खबरों के लिए आरबीसी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। सच का साथी शेख मुजाहिद हुसैन आबादी।